नमस्ते देवी सुजी नोता, आपका स्वागत है गॉट टॉक्स में, जहां पर सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी के बारे में, क्योंकि आज ये रिलीज हो चुकी है और मैंने ये देख ली है। और मानना पड़ेगा बेहद ही खूबसूरत मूवी थी ये, पर जो चीज खूबसूरत होती है वो जरूरी थोड़े ना होगी अच्छी भी हो। तो आइए जानते हैं कि कैसी थी ये मूवी, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लग सकती है। तो बिना किसी देरी के इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में ट्रेलर के हिसाब से, तो पेंडोरा पे ह्यूमंस ने फिर से हमला कर दिया है और उन ह्यूमंस में हमारा अवतार वन का हरामी कर्नल भी है, जो कि हमारे जैक सल्ली को बिल्कुल खत्म करने की कसम खा गया है। पर इस बार जैक सल्ली और नेत्री अकेले नहीं है, उनके पांच पांच बच्चे भी है। इतने सालों में बहुत अच्छी फसल हुआ। तो जैक सल्ली अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को लेकर पेंडोरा के एक अलग कबीले में जाकर रहने लगता है, पर वो लोग वहां भी हमला कर देते हैं। तो अब जैक सल्ली, नेत्री और बाकी लोग उनसे कैसे बचेंगे, उसको देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और अब बात करें मूवी के रिव्यू की, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवी थी। मतलब CGI एक नंबर, VFX एक नंबर, खूबसूरती उफ। मतलब वहां की जमीन इतनी खूबसूरत, पानी के अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत, वहां के क्रिएचर इतने खूबसूरत और ये लड़की इतनी खूबसूरत। मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मजाक से हटके पिक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर ये जरूरी नहीं कि जो चीज खूबसूरत है वो अच्छी भी हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मूवी आपको एक बेहतरीन CGI और VFX देगी, पर मैं ये कहूंगा इस मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट किया। मतलब इस फिल्म की स्टोरी उतनी कुछ खास तो नहीं थी और मूवी लंबी भी थी। मतलब बीच में लोगों ने स्टोरी को लंबा खींचना स्टार्ट कर दिया था। मैं तो ये सोचा था कि इंटरवल कब होगा। मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म से आधे घंटे के सीन काटे जा सकते थे और फिल्म को 2 घंटा 30 मिनट का बनाया जा सकता था, पर पता नहीं क्यों जेम्स कैमरॉन ने इसको इतना लंबा खींच दिया। देखो सच कहूं तो ये फिल्म फैमिली और बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी है। और रही बात मेरे जैसे एक्शन के भूखे लोगों की, तो सच बताऊं तो यार फिल्म के बीच में मेरे को नींद और सर दर्द दोनों आने लगे थे। देखो मैं मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस स्टोरी को थोड़ा काट पीट के यार थोड़ा छोटा कर देते ना तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती। अभी भी अच्छी है लेकिन तब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती। खैर, अवतार का सीक्वल इतने सालों बाद आया है तो उसको देखना तो बनता ही है, चाहे वो जैसा भी हो। तो इसको देखने आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं और अपनी उसके साथ भी जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए नया कॉन्टेंट ढूंढने, तो चलिए नमस्ते।